हेलो रिवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर सर्वाइवल सिक कारों के बारे में। पॉपुलेशन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिजम्स की जब एज के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सा कितना सर्वाइव करेगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी एबिलिटी है सर्वाइव करने की, उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर शो करते हैं और उसी को बोला जाता है सर्वाइवल सिप कर्व। तो सर्वाइवल सिप कर्व जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू एनी स्पेसिफिक एज, जो कि एक्सपेक्ट की जाती है कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप तक, एक स्पेसिफिक एज तक सर्वाइव करेगी। तो ये होता है एक कर्व के अंदर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसको शो किया जाता है उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म को, जिसको सर्वाइवल सिप कर्व बोला जाता है। तीन टाइप की सर्वाइवल सिप कर्व होती है, टाइप वन और कन्वेक्स कर्व होती है, टाइप टू डायगोनल कर्व होती है एंड टाइप थ्री कनकेव कर्व होती है। अब कन्वेक्स और कनकेव जो है ये इनकी शेप है, तो कन्वेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ये ऐसी होगी, ठीक है, और जब हम कनकेव की बात करेंगे तो इसकी शेप जो है वो ऐसी होगी, और डायगोनल जो है ये डायगोनली होगी। तो इस टाइप की कर्व जो है ये पाई जाती है, ये सर्वाइवल सिप कर्व्स होती है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की सर्वाइवल सिप कर्व शो करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है टाइप वन और कन्वेक्स कर्व। ये जो कर्व है ये वाली, ठीक है, टाइप वन, ये जो ब्लू वाली कर्व है, यहाँ पे इस साइड लिया है नंबर ऑफ सर्वाइवर, कितने नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हैं उनको एक लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर और इसके अगेंस्ट, एज के अगेंस्ट ये ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें ये नंबर है, ये 1000 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। 1000 नंबर कब है, जब ये यंग थे। जैसे जैसे ये डिक्लाइन हुआ है, यानी कि ये डिक्लाइन कब हुआ है, जब एज ओल्ड आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि यंग जो एज है, यंग एज ग्रुप है, उसके अंदर ज्यादा सर्वाइवल सिप की कैपेसिटी होती है अदर देन ओल्ड ग्रुप से। तो टाइप वन और कन्वेक्स कर्व जो है ये ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेके हम चल सकते हैं। इंडिविजुअल एग्जिबिट हाई सर्वाइवल सिप थ्रू द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ही यहाँ पे हाई सर्वाइवल सिप चलता है। पॉसिबल फॉर के स्ट्रेटजी स्पीसीज, हमने बात की थी लास्ट वीडियो में के एंड आर स्ट्रेटजीज या फिर सिलेक्शन के बारे में। तो टाइप वन और कन्वेक्स कर्व जो है ये शो करती है जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है उनको। के सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर क्या होता है, वहाँ पे जो ज़्यादातर एनर्जी है वो मेंटेनेंस और ग्रोथ के अंदर स्पेंड की जाती है, रिप्रोडक्शन के अंदर कम एनर्जी लगती है। इसके अलावा एक एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी होती है जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे नंबर मेंटेन रहता है। और यहाँ पे पेरेंटल केयर भी मैक्सिमम होती है, और इसी पेरेंटल केयर की वजह से यहाँ पे यंग एज के अंदर जो पॉसिबिलिटी है सर्वाइवल की वो ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल के लिए लार्ज साइज एनिमल्स, एलिफेंट जैसे कि हो गया, इसके अलावा ह्यूमंस हो गए, एनुअल प्लांट्स हो गए, ये सभी शो करते हैं टाइप वन कर्व। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आती है डायगोनल या फिर टाइप टू कर्व। अब ये जो टाइप वन हमने पढ़ी है इसके अपोजिट यहाँ पे टाइप थ्री होती है, तो हम सबसे पहले टाइप थ्री को देखेंगे। टाइप थ्री यानी कि कनकेव शेप की ये होती है, कनकेव कर्व ये होती है। इंडिविजुअल एग्जिबिट वेरी हाई मोर्टिलिटी एट यंग एजेस, और जैसे कि यहाँ पे हम देखें ये यंग हो गए और ये ओल्ड हो गए। तो यहाँ पे यंग जो टाइम है उस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डेथ रेट या फिर मोर्टिलिटी रेट है, लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड एज की तरफ जाता है ये क्या हो जाता है, स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाई मोर्टिलिटी होती है यंग एज के अंदर, क्यों होती है, क्योंकि ये आर स्ट्रेटजी स्पीसीज के लिए पॉसिबल होता है। आर स्ट्रेटजी स्पीसीज क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है इसलिए वो जल्दी से ग्रो करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं एंड रिप्रोड्यूस कर देती है। वहां पे कोई पेरेंटल केयर नहीं होती है तो वहां पे मोस्टली ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आर स्ट्रेटजी स्पीसीज होती है जहाँ की मैक्सिमम एनर्जी जो है ये रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे लगा दी जाती है और पेरेंटल केयर के अंदर यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगाई जाती है। इस वजह से यंग एज के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रीज हो गए, जैसे कि जब ट्रीज के ग्रोइंग सीजन आते हैं, रेनी सीजन आएंगे, उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे हमें सीडलिंग से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
इसके अलावा बटरफ्लाई हो गई, ऑयस्टर या फिर स्मॉल फिश हो गई, तो ये सभी एग्जाम्पल है यहाँ पे Type 3 या फिर कनकेव कर्व के। तो Type 1 के अंदर ह्यूमन का एग्जाम्पल आएगा एंड Type 3 के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा जैसे कि बटरफ्लाई का, ऑयस्टर का एंड स्मॉल फिश का। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें Type 1 के अंदर यहाँ पे क्या है, के सिलेक्शन होता है, के स्ट्रेटजीज यहाँ पे होती है। एंड Type 3 के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे होती है आर टाइप की स्ट्रेटजी स्पीसीज होती है। यहाँ पे हाई पेरेंटल केयर पाई जाती है, पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा पाई जाती है, जबकि Type 3 के अंदर लो पेरेंटल केयर पाई जाती है। हाई पेरेंटल केयर की वजह से यंग एज का जो सर्वाइवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि Type 3 के अंदर यंग एज का जो सर्वाइवल है वो घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरेंटल केयर नहीं होती है। इसके बाद Type 2 की अगर हम बात करेंगे, बीच वाली जो है, इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन शो करता है, इंडिविजुअल ड्राइंग ओवर टाइम, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आ जाता है। मैक्सिमम मोर्टिलिटी अकर्स इन द मिड फेज, और ये जो मिड फेज आता है, मिड फेज के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम मोर्टिलिटी देखी जाती है, ठीक है। मिड एज जो आएगा यहाँ पे, मिड फेज हम बोल सकते हैं, तो इस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे मोर्टिलिटी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बर्ड्स यहाँ पे एग्जाम्पल हो गई, ठीक है, बर्ड्स हो गई, ब्लैक टेल डियर हो गई, तो ये सभी एग्जाम्पल है यहाँ पे डायगनल कारो के, यानी कि Type 2 कारो जो है, सर्वाइवल शिप कारो के। तो ये तीनों ही कारो यहाँ पे हमने देख ली है। अब इनकी एक समरी है, Type 1 के अंदर क्या होगा, लेट लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ आते हैं तब यहाँ पे लॉस होता है, यंग एज में ज्यादा लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे हाई सर्वाइवल शिप होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। के स्ट्रेटेजिक स्पीसीज इसके अंदर आती है, पेरेंटल केयर मैक्सिमम होता है, इसलिए यंग एज के अंदर ज्यादा सर्वाइवल ये करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लार्ज साइज एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट हो गया, इसके अलावा ह्यूमंस, एनुअल प्लांट्स, ये सभी Type 1 के अंदर आते हैं। Type 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लॉस चलता रहता है। मैक्सिमम मोर्टिलिटी जो है मिड फेज के अंदर देखी जाती है, बर्ड्स, ब्लैक टेल डियर इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड थर्ड आता है यहाँ पे टाइप थ्री कर्व, यानी कि कनकेव कर्व होती है, जिसके अंदर अर्ली लॉस होता है। सबसे पहले यंग एज के अंदर ही यहाँ पे ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पेरेंटल केयर या फिर बिल्कुल नो के बराबर पेरेंटल केयर नजर आती है। हाई मोर्टिलिटी होती है यंग एज के अंदर, आर स्ट्रेटेजिक स्पीसीज इसके अंदर आती है, लो पेरेंटल केयर आती इसके अंदर होती है, जैसे कि ट्रीज, बटरफ्लाई, ओस्टर, स्मॉल फिशेस के एग्जाम्पल है। तो ये सभी समरी है यहाँ पे इन तीनों टाइप की कारों की। तो यहाँ पे हमने इन सर्वाइवल शिप कर्व्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे पॉपुलेशन का रेगुलेशन किया जाता है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट एंड डेंसिटी डिपेंडेंट दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।